स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु अपने बल से मुझको भर दे रूह पाक से मसा कर दे अपने बल से मुझको भर दे रूह पाक से मसा कर दे स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। Praise the Lord. Hallelujah. स्वर्गीय अग्नि प्रोग्राम के प्यारे दर्शकों आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के पावन नाम पर हार्दिक स्वागत और मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय अग्नि पवित्र आत्मा की आग आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे आप में से हर एक को पवित्र बनाए शुद्ध करे आपके जीवन में जो बुराइयां हैं उसको जलाकर राख कर दे और प्रभु के पवित्र आत्मा की आग में पवित्रीकृत होकर सूर्य की तरह सब लोग चमके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताई हम आराधना करते हैं परमेश्वर की आराधना में हम दो लाइन गीत गाकर हम उनकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं भलाई के लिए तेरी महिमा हो तेरी स्तुति हो प्रशंसा हो तेरी तेरी महिमा हो तेरी स्तुति हो प्रशंसा हो तेरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप भलाई का स्रोत है प्रभु, आप हमें अपने जीवन भर भलाइयों से भर देते हैं प्रभु। आपकी दया मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना की इस घड़ी में हमें साथ दीजिए प्रभु, हमारे बीच में आकर अपनी महिमा के साथ निवास कीजिए, स्वर्ग का सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट कीजिए प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने हर एक व्यक्ति को इस वक्त छू लीजिए प्रभु यीशु, उनका दुख मिट जाए, निराशा हट जाए, रोग बीमारियाँ चंगे हो जाए, तकलीफें दूर हो जाएं। आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रार्थना को किस प्रकार हम प्रभावशाली बनाए, उसके लिए बाइबल के आधार पर प्रभु के पवित्र वचनों के आधार पर हमने मनन किया। आज हम देखते हैं प्रार्थना की जरूरत क्या है, मुझे क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोगों के मन में एक संदेह है कि अगर परमेश्वर प्रभु ईश्वर भलाई का स्रोत है
प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर भला है, प्रेमी है, दयालु है, तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? परमेश्वर को सीधा ही देना चाहिए। जिस तरह पिता अपने बच्चों के लिए समय समय पर चीज़ें प्रदान करते हैं, उसी प्रकार पिता ईश्वर को अपनी संतानों को बरकतें देनी चाहिए, आशीषें देनी चाहिए। हाँ, प्रभु ने यह भी कहा है, मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को मैं जानता हूँ। फिर मांगने की क्या जरूरत है? प्रार्थना में समय बिताने की क्या आवश्यकता है? प्रार्थना को कलीसिया में इतनी जरूरी क्यों बनाया? इस प्रकार के अनेक सवाल लोग उठाते हैं। जो लोग प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं, प्रार्थना में रुचि नहीं या प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, उनके मुख से इस प्रकार के सवाल सुनने में आते हैं। बाइबल की ओर देखिए, प्रभु यीशु की जीवन की ओर देखिए। प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो आदि में था, प्रभु के साथ था, प्रभु ही था, और वह शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। उसी प्रभु यीशु पुत्र होने के नाते उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। यीशु के जीवन में हम देखते हैं बार बार वह प्रार्थना करता है, कभी दिन में, कभी रात को, कभी एकांत में जाकर, कभी मरुभूमि में जाकर, कभी अकेले में दूर हटते हुए, अलग अलग अवसरों पर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, उसका उत्तर यहीं पर हमें देखने को मिलता है। प्रभु यीशु प्रभु होने के बावजूद, परमपिता परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने यदि प्रार्थना की, तो हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं जरूर, लेकिन जब उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती है, उस समय प्रभु की याद आती है, उस समय वे प्रार्थना करते हैं। जब जीवन में कोई भी परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अपने नियोजन के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार सब बातें चल रही हैं, उस समय शायद लोग प्रभु के पास आकर प्रार्थना नहीं करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए नहीं है, और कहीं से भी मदद आने की संभावना नहीं, या सब द्वार बंद हो चुके हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने वाला नहीं, आप निस्सहाय हो चुके हैं, एकदम निस्सहाय, हेल्पलेस, ऐसी परिस्थिति में आखिरी में लोग प्रभु के पास आते हैं, ईश्वर के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए। ये प्रार्थना का मनोभाव नहीं, प्यारे भाई और बहनों। जब सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया और कोई रास्ता नहीं रह गया है, उस समय आप प्रभु के पास आते हैं। उसका मतलब क्या है? आपने मनुष्य पर पहले भरोसा रखा, लोगों पर आपने भरोसा रखा, आखिरी में प्रभु पर भरोसा आपने रखा है। जबकि आपको क्या करना चाहिए? सबसे प्रथम परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिस ईश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से गढ़ा है, जिस परमेश्वर ने आपको अपने सदस्य में, अपने प्रतिरूप में बनाया, उसी प्रभु के पास अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आपको पहले जाना चाहिए, क्योंकि वह आपके स्वर्गीय पिता है, वह आपके प्रेमी पिता है। बच्चे अपनी आवश्यकताओं के लिए
पड़ोसियों के पास नहीं जाते हैं, वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं। हमें भी इसी प्रकार अपने स्वर्गीय पिता की ओर जाना चाहिए, प्रभु की ओर जाना चाहिए। तो हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, दुख में, संकट में, परेशानी में, रोग बीमारी में, तकलीफ में, सभी अवसरों पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ये कहना चाहता है, कारण क्या है? प्रार्थना एक रिलेशन को दर्शाता है, एक रिश्ता, एक संबंध को दिखाता है। मुझे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, वो उतना मजबूत है जितना मैं प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप कहते हैं आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर से प्रेम रखते हैं, और आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, या आपके पास प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं, समय नहीं, आप प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, प्रार्थना का महत्व आप समझ नहीं पाते हैं, तो ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के प्रेम को समझना चाहिए। अभी क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? सबसे प्रथम प्रभु यीशु ने कहा हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13, वहां पर प्रभु यीशु सवाल करते हैं, कौन तुम्हें से ऐसा कौन होगा जो रोटी मांगे उन्हें पत्थर देगा, जो मछली मांगे उन्हें सांप देगा, जो अंडा मांगे उन्हें बिच्छू देगा? बुरे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को अच्छी अच्छी चीजें देने जानते हो, तो मांगने वाले को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं प्रदान करेगा? मांगने वाले को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं प्रदान करेगा? प्रभु यीशु ये सवाल करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारा मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। हमारा मतलब पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना होना चाहिए, पवित्र आत्मा के कृपादानों के लिए, वरदानों के लिए, फलों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमें एक सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में दिया है। तो जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहता हूँ। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वर्ष संख्य 15 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से संचालित वे सब ईश्वर की संतान हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रभु मैं उस आत्मा से संचालित होना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे, पद प्रदर्शन करे, मेरी यही इच्छा है। प्रेरित चरित्र पहला अध्याय पद संख्या 14 में हम देखते हैं, वहां पर कुमारी माता मरियम, नारियम और अन्य स्त्रियों और उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में एक मन होकर प्रार्थना में विलीन थे। उस समय उनकी प्रार्थना के कारण ही पवित्र आत्मा पेंतकोस के दिन उन पर उतर आया। मैं समझता हूँ वे लोग वहाँ पर बैठकर, अटारी में बैठकर पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने जिस सहाय का वादा किया था, उस सहाय के लिए उन्होंने प्रार्थना की होगी। इसलिए अग्नि के रूप में स्वर्गीय सामर्थ्य पेंतकोस के दिन उन लोगों पर उतरा और उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, उनका जीवन पूर्ण रूप से पलट गया। वे प्रभु के सच्चे प्रेरित बन गए, सुसमाचार के प्रचारक बन गए और दुनिया के कोने कोने तक निकल पड़े। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक में पाना जरूरी है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 3 में, यीशु यर्दन नदी में योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकार करते हैं। उसके बाद यीशु प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर लिखा गया है, उसके बाद बपतिस्मा के बाद पानी से बाहर आने के बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। देखिए, प्रार्थना करने से क्या मिलता है? पूछने वालों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है। उसका कारण है प्यारे भाई और बहनों, वो कारण हम देखते हैं
रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में पद संख्या 26, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमें ये पता नहीं कि हमें किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा प्रभु से प्रार्थना करता है, विनती करता है। देखिए, जब मैं ये नहीं जानता कि मुझे किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, उस वक्त पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा की ज़रूरत हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। अगर आप कमज़ोर हो, आपको प्रार्थना करने की कोई रुचि नहीं, चर्च जाने का मन नहीं लगता है, संगति में जाने का मन नहीं लगता है, उस समय आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। उस सहायक से सहायता मांगिए, उस हेल्पर से मांगिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, वह जरूर आपको सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, आमीन। पवित्र आत्मा से हमें प्यार करना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के लिए हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें पवित्र आत्मा के लिए रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। दुनिया के कई मशहूर सुसमाचार के प्रचारक हैं, उनसे आप पूछ लीजिए उनके जीवन में इतना सामर्थ्य शक्ति कहाँ से आई, वे लोग बताएंगे पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रदान किया है। एक बार एक पुरोहित के पास आध्यात्मिक सलाह के लिए मैं गया था। मैंने अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रख दी, लेकिन जवाब में उन्होंने कहा, आप इतना कीजिए, रोज़ 10 मिनट पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया, बस आप यही काम कीजिए, यही कार्य कीजिए, आपके जीवन में आप प्रभु का सामर्थ्य देख पाएंगे, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। एक बार एक मशहूर, एक बहुत बड़ा पॉपुलर एक धर्म प्रचारक, एक प्रीचर उनके पास गया था। उन्होंने यह उपदेश दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रेम करते हुए प्रार्थना कीजिए। और मैं समझता हूँ प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि उस हेल्पर, उस सहायक ने मेरी मदद की है। वही पवित्र आत्मा ने मुझे अपनाया और मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। उस पवित्र आत्मा के कृपा से, दया से ही, उनके सामर्थ्य से ही मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचा हूँ। तो पवित्र आत्मा की ज़रूरत हमारे जीवन में है, उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रभु की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे जीवन के प्रति ईश्वर की क्या इच्छा है, क्या योजना है, इसको जानने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। उस दुख की कड़ी में, अत्यंत प्रचंड दुख भोगते समय यीशु ने प्रार्थना की, प्रभु हो सके प्याला मुझसे हटा दीजिए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। तो वहाँ पर प्रभु की मर्जी जानना, ईश्वर की इच्छा क्या, इसको जानने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। प्रेरित चरित्र में एक घटना हम देखते हैं, 12 प्रेरितों में से एक नष्ट हो गया, यूदास इस्करियोती, जिन्होंने यीशु को पकड़वा दिया था, वो नष्ट हो गया। उसके बाद उसके स्थान पर एक अन्य शिष्य को प्रेरित लोग चुनते हैं। प्रेरित चरित्र में पहला अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर मत्तियास नामक एक व्यक्ति की चुनाव वे लोग करते हैं। तो उसको चुनने के पहले उन्होंने प्रार्थना की, वचन 24, तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, ये प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है। दो व्यक्तियों का नाम आया और एक यूसुफ नाम का व्यक्ति और एक मत्तियास नाम का व्यक्ति, दो व्यक्तियों के नाम वहाँ पर आया। तो वे लोग प्रार्थना करते हैं, किसको आप चुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, प्रभु ये आपकी इच्छा क्या है, योजना क्या है, किस व्यक्ति को प्रेरितों के गण में शामिल करना चाहता है। और उन्होंने उसके बाद
उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में मत्तियास का नाम निकली और उनकी उसकी गिनती 11 प्रेरितों में होगी। मत्तियास के नाम की गिनती उनके साथ होगी। तो जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, मेरे जीवन के प्रति आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है, उसको जानने के लिए हमें प्रार्थना में बैठना चाहिए। परम प्रसाद के सामने बैठकर हमें प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु के समक्ष अपने मन में जो कन्फ्यूशन है उसको रेख देना चाहिए। प्रभु आपको प्रकट कर देगा प्रभु की इच्छा क्या है, योजना क्या है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जब कोई पुरोहित बनते हैं या फिर सिस्टर धर्म बहन बनते हैं, उस समय वो कई सालों तक वे प्रार्थना में लगे रहते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, इसको जानने के लिए उनके ट्रेनिंग के समय कई सालों तक वे प्रार्थना में लगे रहते हैं प्रशिक्षण के समय, और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति को प्रार्थना में प्रभु से पूछना चाहिए। माता पिताओं को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पिता से प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे बेटे के प्रति, मेरी बेटी के प्रति, मैं आगे कौन सा कोर्स के लिए अपने बेटे को या बेटी को भेजूं। तो इस बार प्रभु से पूछते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। जब शादी ब्याह होते हैं उसके पहले आपको प्रभु से प्रार्थना करके पूछना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है। इसी प्रकार जब दो व्यक्तियों के बीच में जो रिश्ता है, वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो जाती है या डाइवोर्स के समय, आपको प्रभु के समक्ष बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु की इच्छा जानने के प्रयास करना चाहिए। अगर इस प्रकार आप प्रयास करेंगे तो डाइवोर्स नहीं होगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु कार्य जरूर करेगा। तो प्रभु की इच्छा जानने के लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। प्रज्ञा ग्रंथ पुराने विधान में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है, मैं जानूं तुझे क्या प्रिय है। उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बताया गया है। हालेलुया। इसके बाद प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम प्रलोभन का सामना करते हैं। हाँ, प्रलोभन का सामना करते हैं उस समय हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा गेसमनी बाग में शिष्यों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ जाए। और प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना में हम यही पढ़ते हैं कि प्रभु मुझे परीक्षा में ना डाल दिए। पेतरस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हम देखते हैं कि शैतान इस विचार में घूमता रहता, फिरता रहता, किसे पकड़कर भाड़कर खाए। तो दुष्ट आत्मा हमेशा हमें प्रलोभन देने का प्रयास में रहता है। यीशु 40 दिन और रात उपवास करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जब बाहर आया तो शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य, उपवास का सामर्थ्य से, वचन की शक्ति से प्रभु ने शैतान को हराया। परीक्षाओं में हमें जीतने के लिए, प्रलोभनों में ना गिरने से बचने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में बताया गया प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9 में बताया गया है कि अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो बीमारी में प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब के पत्र में भी हम पढ़ते हैं कि जब आप बीमार हो जाते हैं उस समय आपको कलीसिया के अध्यक्ष के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम और उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, पापों की क्षमा के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पापी नाकेदार व्यक्ति ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे पापी पर दया कीजिए, और उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। तो पापों की क्षमा के लिए, चंगाई के लिए, अन्य आशीषों के लिए, जीवन में सफलता के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन को बदल डालता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु का रूपांतरीकरण हुआ, उसके बाद उनका चेहरा इतना चमका। तो प्रार्थना करने वाले के व्यक्ति के चेहरे पर यह चमक हमेशा रहता है, उनका जीवन बदल जाता है।
व्यक्तिगत प्रार्थना पर्सनल प्रेयर के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आता है, एक नई सृष्टि बन जाता है। तो प्रार्थना की जरूरतों को हम समझे प्यारे भाई और बहनों, न सिर्फ अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें बल्कि पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करना है, प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए और साथ ही साथ पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है, आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम जहाँ भी इस वक्त रहे, इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, हम एक साथ प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, शिष्यों के समान हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु। हम प्रार्थना की ज़रूरत को समझने का प्रयास हम कर रहे थे प्रभु। अपनी आत्मा को भेज दीजिए प्रभु, अपने आत्मा को भेजकर हमारे कमजोरियों को दूर कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना में बहुत पीछे हैं, बहुत कमजोर है प्रभु, हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, हम एकाग्र मन से प्रार्थना कर नहीं पाते हैं प्रभु, हम जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रार्थना कर नहीं पाते प्रभु। हमें प्रार्थना के वरदान अभिषेक प्रदान कीजिए प्रभु। जिनके जीवन में प्रार्थना के लिए रुकावटें हैं प्रभु, वो सारी रुकावटें दूर हट जाएं। इस वक्त यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ और आदेश देता हूँ, अंधकार की ताकतें, दुष्टात्मा की सेनाएं, दुरात्मा की सेनाएं हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।